अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और, वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही नहीं होती। और तो और, यहाँ तक तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता है ना। साला कुछ तो बात है इस चेहरे में, 5 दिन से नहीं नहाया फिर भी चमक रहा है। जिनका पति पी के पड़ा रहे ठर्रा नालियों में, वो भी आजकल स्टेटस लगा रही हैं। मेरा बालम थानेदार, चलावे जिपसी, चलावे जिपसी, वाई वाई। दादी बिटिया खाना बनाना सीख ले। नातिन, दादी क्यों? दादी, बिटिया शादी के बाद पति अगर घर में नहीं हुआ तो भूखे पेट ही सोएगी क्या? भाइयों, पुलिस और पत्नी की राशि एक ही होती है, बस फर्क इतना होता है पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से। भाइयों, जरूरी नहीं कि हर लव स्टोरी बेवफाई से ही खत्म होती है। कुछ लव स्टोरियां बीवी के हाथ मोबाइल लगने से भी खत्म हो जाती हैं। भाइयों, जिनके पति देव स्कूटर चला रहे हैं उनकी बीवियां भी आजकल गा रही है, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। भाइयों, कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि शादी के बाद भी खुश रहते हैं, मेरे जैसे। अरे वो सूट मुझे दे दे, उसे बेच के एक आईफोन ले लूंगा। आज का ज्ञान, प्रेम में पड़ी हुई स्त्री से ज्यादा खतरनाक होती है स्कूटर पर चढ़ी हुई स्त्री। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है जानम, कर क्या करें, आने जाने का किराया बहुत ज्यादा है। अगर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने उनसे पूछा होता कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो राजा हरिश्चंद्र सत्वादी नहीं रहे।